अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा अगला पॉइंट है मर्द का सलबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का सलबास पहनने वाले मर्द और मर्द का सलबास पहनने वाली औरत पर लानत फरमाई। अब इस लिबास को समझ लें, जिस तरह के मर्द हैं मशीनरी का काम कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वो शलवार कमीज़ इस तरह की पहन रहे हैं जो फ़ीमेल की तरह नहीं दिखती। और इसी तरह फ़ीमेल हैं वो उस तरह का कपड़े ना पहने जिस तरह के मर्द पहनते हैं, ठीक है ना, उस तरह की जूतियाँ वगैरह पहनेंगी ना, वो इस तरह घरों में वो जो हैं वो चप्पल वगैरह और ये चीज़ उनकी पहन सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर हैं माशरे के अंदर जाते हुए, ठीक है, वो उनके जैसा कपड़ा, उनके जैसा लिबास, ठीक है, जिस तरह का फ़ीमेल का अट्रैक्टिव थोड़ा सा होता है, कलरफुल होते हैं काफ़ी सारे उसमें कलर, तो मर्द उस तरह की हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। मर्द को मर्दों जैसा लिबास पहनना है और औरत को औरतों जैसा लिबास पहनना है, जो कि आज के माशरे के अंदर वाज़े है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे कि जो मैन और वुमेंस के दरमियान में, यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में शी मेल कहते हैं, खुसरे उर्दू में कहते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह का काम करते हैं, तो ये उनके लिए भी मना है कि वो वही चीज़ पहने वो जौन सा उनका जेंडर है, ठीक है। अब मेल्स हैं वो फीमेल का तरह कपड़े पहन के किसी को तंग नहीं कर सकते, ना फीमेल मेल्स के कपड़े पहन के किसी को इस तरह की हरकतें कर सकती हैं, ठीक है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हदायत का ज़रिया बनाए, अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं तमाम बुराइयों से, शैतान से, मुनाफिकीन से, तमाम गुरूर तकब्बुर से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाने वाली हैं, अज़ाब की तरफ लेके जाने वाली हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह अता फरमाए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, पैगाम हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।